जी नमस्कार। पार्ट सिक्स में सीक्वेंस सीरीज का आप देखेंगे एम जी एम एच एम। आपका एन का किस वैल्यू के लिए वह एम होगा, किस वैल्यू के लिए जीएम होगा और किस वैल्यू के लिए एच एम होगा। ऐसे यहां पर अर्थमेटिक मीन के बारे में करना है, लेकिन ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन दोनों यहां पर ही कर देते हैं। अगर आपके पास लॉजिकली है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी से बना सकते हैं और बहुत सारे कंपटीशन में काफी पूछता है। आइए हम लोग देखते हैं एम के बारे में। एम हो गया ए प्लस बी बाई टू, जीएम करेंगे तो रूट अंडर ए टू और एच एम करेंगे तो टू ए बी ए प्लस बी। यस या नो? यहां एम जीएम एच एम आपका क्वेश्चन कैसे रहता है यह बात को सोचो। ए टू दी पावर एन प्लस वन बी टू दी पावर एन प्लस वन बाई ए के पावर एन बी के पावर एन। यहां पर प्रश्न तुम्हारा पूछता है कि एन के किस वैल्यू के लिए एन के या एम होगा, एन के किस वैल्यू के लिए जीएम होगा और एन के किस वैल्यू के लिए एच एम होगा, बताओ। यानी एम होने के लिए ए प्लस बी बाई टू चाहिए, तो हम लिखेंगे कि एन बराबर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर जीरो हो गया तो यहां ए प्लस बी बाई क्या हो गया, यह बात समझ में आया कि नहीं आया? और एन का किस वैल्यू के लिए रूट अंडर ए भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रूट अंडर ए, रूट अंडर तो होना चाहिए माइनस हाफ, क्या होना चाहिए? गौर से देखते रहेंगे, माइनस हाफ करेंगे, क्या करेंगे? तो माइनस हाफ हो यहां तो हो जाएगा ऊपर रूट अंडर ए, यहां रूट अंडर यहां करेंगे तो वन बाई रूट अंडर ए, वन बाई रूट अंडर ऊपर वाले का सॉल्व किया यहां आ जाएगा रूट अंडर ए। ए से क्या हो गया, यानी एन के माइनस हाफ वैल्यू के लिए, एन के माइनस हाफ वैल्यू के लिए क्या होता है? जीएम होता है। क्या होता है? अब आपको एचएम लाना है, क्या लाना है? एचएम लाना है, क्या लाना है? एचएम लाना है। तो एचएम लाने के लिए एन का वैल्यू हाफ वन चाहिए, क्या चाहिए? अगर वन चाहिए, क्या चाहिए जल्दी बताओ, तो काम नहीं चलेगा। एन बराबर माइनस वन चाहिए, क्या चाहिए? माइनस वन रखेगा तो यहां पर ए के पावर जीरो और यहां बी के पावर बोलना वन बाई ए और वन बाई होगा तो ऊपर हो जाएगा टू वन बाई ए और वन बाई बी, बोलो ऐसा नो, यानी टू ए बी बाई ए प्लस बी। स्टूडेंट मुरझाने की कोई चीज नहीं है, आप गौर से देखिए, आप या तो ऊपर बैलेंस करें या नीचे बैलेंस करें, आप बैलेंस करके आंसर लिख सकते हैं, बैलेंस करके आंसर। अगर नीचे से बात करोगे तो पेन को बदल दो और देना चालू कर दो मुझवानी आंसर, देना चालू कर दो, बोलो यस या नो। एन का वैल्यू जीरो रखेगा क्या हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू माइनस हाफ रखेगा क्या हो जाएगा? जीएम क्या हो जाएगा? एन बराबर माइनस वन रखेगा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास एक करके पूछा भी जा सकता है, बताइए एम होने के लिए एम का वैल्यू क्या चाहिए?
एम प्लस वन इक्वल जीरो, तो एम बराबर क्या होना चाहिए, समझ में आया? अब बताओ जीएम होने के लिए क्या चाहिए, एम प्लस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस एम बराबर माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई, और एच एम होने के लिए क्या चाहिए, एम प्लस वन बराबर माइनस वन, एम बराबर होना चाहिए माइनस, क्या होना चाहिए? नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए आपका हो जाएगा, बोलो यस नो। अब यहां पर यह प्रश्न को जल्दी करके दिखाए, एम होने के लिए क्या चाहिए जल्दी बताइए, यानी एम होने के लिए एम माइनस टू इक्वल जीरो, एम बराबर, जीएम होने के लिए गलत, थ्री बाई टू प्लस में, और एच एम होने के लिए करने आया, यानी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो एम जी एम एच एम अच्छे से निकाल सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से, यानी आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में किसी को कोई सुविधा असुविधा, यानी अब हमारा क्वेश्चन एक एक करके मैं पूछ लेता हूं, छह विद्यार्थी हैं कि कौन कौन क्लास में रियल में है यह जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्लास में लोग रहते हैं और माइंड को घुमाते रहते हैं कि हम यहां हैं, किसी से भी पूछा जा सकता है, यहां एम के लिए जीएम के लिए और एचएम के लिए, आप बताइए एम कब होगा, देखिए एम होने के लिए ये वाला टर्म जीरो होना चाहिए, ये वाला टर्म यहां लिखेंगे एम प्लस थ्री, यानी एम बराबर क्या होना चाहिए माइनस थ्री, सब लोग को आया? जीएम के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला माइनस हाफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो एम प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस सात बाई, एच एम के लिए क्या होना चाहिए जल्दी बताओ, माइनस फोर होना चाहिए, कर में आया कि नहीं आया, आ गया? बोलिए एम के लिए क्या होना चाहिए, माइनस
यानी m प्लस 5 इक्वल 0, दिस इंप्लाइड m बराबर माइनस gm के लिए क्या होना चाहिए? माइनस हाफ। एचएम के लिए है सबको करने आ गया है, जितने सज्जन जुड़े हुए हैं सब लोग को आ गया है। अगर इसको सब्जेक्टिव जो बनाएगा ना वो काफी डिफिकल्ट है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर a टू द पावर m प्लस 1 और b टू द पावर m प्लस n अगर am बनना है, क्या बनना है तो यानी यहां पर a प्लस b बाई 2। और देखो हम बहुत कमजोर हैं, यहां पर हम दिमाग सीधे लगा देते हैं। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 टाइम्स एम प्लस 1 यहां एम प्लस 1 और ए से गुना किया ए वाला सबको यह बात समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिए। अब ये वाला 2 टाइम्स है, इधर 8 टाइम्स है तो इधर आ जाएगा तो 1 टाइम्स हो जाएगा। बोलो ऐसे आनो, बोलो यहां ये 2 टाइम्स है यहां 1 टाइम्स, मजा आ रहा है? माइनस इक्वल 0। अब कुछ कॉमन लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है? ए दोनों में, नो ए दोनों में, यानी ए के पावर एम कॉमन ले लेंगे तो इधर से ए बचेगा, क्या बचेगा? और इधर से क्या बचेगा? ए दोनों में भी कॉमन लिया जा सकता है, बोलो है? तो क्या हो जाएगा? माइनस बी के पावर एम कॉमन लेंगे तब ए माइनस बी, बोलो यस सर। अब यहां पर ए माइनस बी और ए टू दी पावर एम माइनस बी के पावर एम बराबर क्या हो गया? अब शर्त यह रहेगा कि ए माइनस बी जीरो नहीं हो, ए माइनस बी जीरो, चूंकि ए और बी जीरो हो जाएगा तो एम जीएम का तो बात ही नहीं होगा, या बराबर हो जाएगा तो एम जी एम एच एम सब बराबर हो जाएगा, बोलो। तो यहां पर ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, ए और बी बराबर, तो अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये वाला बराबर होगा, और ए के पावर एम और बी के पावर एम तभी बराबर होता है जब एम का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? इसलिए यहां पर हम एम बराबर जीरो लिया करते। समझ में आया कि नहीं आया? इसी ढंग से जीएम का करेंगे और एचएम का करेंगे तो यहां पर एम जीएम एचएम आपको अच्छे से आ गया कि दिक्कत? तो नेक्स्ट पार्ट में मिल रहे हैं डिबिलिटी टेस्ट लेकर के, तब तक क्लियर बने रहे।